तो बात की जाए तो यहाँ पे आपको सारा का सारा यहाँ पे पियानो फिनिश वर्क आपको देखने को मिल जाता है इंटीरियर में, जो काफी ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे डीप ब्लैक और एलिगेंस एडिशन को यहाँ पे बनाता है, मतलब आप लोग देख सकते हैं कार। हे गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से आए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे स्कॉटर स्लेविया के स्पेशल एडिशन एलिगेंस एडिशन, जिसको हम लोग डीप ब्लैक एडिशन भी कहते हैं। भाई यहाँ पे ब्लैक कलर में आप स्कॉटर स्लेविया के यहाँ पे देख सकते हैं, लोग काफी ज्यादा यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव लुक यहाँ पे देती हुई नजर आ रही है। साथ ही में अगर बात करें इसमें आपको क्या क्या खास मिल जाता है इस स्पेशल एडिशन पे, जहां सबसे पहले इसकी की बात की जाए तो की पे यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक करने की बटन मिल जाती है, और इस तरीके से यहाँ पे आपको नॉर्मल सी आपको की देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर बात की जाए इसमें और भी क्या क्या खास मिल जाता है, तो फ्रंट साइड में अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसमें आपको फ्रंट साइड में ग्रिल में सारा का सारा काम यहाँ पे आपको क्रोम का देखने को मिल जाता है, जो भाई डीप ब्लैक कलर के ऊपर आपको काफी ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव लुकिंग देती है। साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे आपको डे टाइम DRL देखने को मिल जाते हैं, साइड इंडिकेटर यहाँ पे आपको इंस्टॉलर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे प्रोजेक्टर LED हेडलाइट आपको देखने को मिलती है। साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इसमें फॉग लैंप देखने को मिल जाता है, फॉग लैंप के ऊपर भी यहाँ पे आपको क्रोम का वर्क देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 179 mm की यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। हाँ, लेकिन फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको कोई भी इसमें पार्किंग सेंसर देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही में अगर इसकी इंजन की बात की जाए तो वही आपको सेम इंजन देखने को मिल जाते हैं, 1 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, जो भाई अच्छी खासी भाई स्कॉडा की कारें आपको पावर अच्छी खासी देती है। साथ ही में अब साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड प्रोफाइल में कैसा क्या मिलता है, तो साइड प्रोफाइल में बात करें जाए तो यहाँ पे आपको 16 इंचेस की यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे भाई स्कॉडा की आपको बैजिंग मिल जाती है क्रोम के साथ में, जो भाई डीप ब्लैक कलर में यहाँ पे आपको काफी ज्यादा कार के साइड प्रोफाइल अट्रैक्टिव बना देती है। साथ ही में इसके बात की जाए तो यहाँ पे ORBM पे यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको LED देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको एक क्रोम की लाइन मिल जाती है, जो भाई फ्रंट साइड के डोर और बैक साइड के डोर को कनेक्ट करती है, और अगर साइड प्रोफाइल के दूर से लुक देखी जाए तो भाई काफी ज्यादा यहाँ पे आपको हैवी और अट्रैक्टिव लुकिंग देती है। और साथ ही में नीचे साइड भी आपको क्रोम का वर्क देखने को मिल जाता है, और डोर हैंडल पे भी यहाँ पे आपको क्रोम का वर्क देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में, यहाँ पे आपको साइड में तो, और अगर बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, ना कि डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इसमें सार्फ्रेन एंटीना देखने को मिल जाता है। अगर रियर साइड की बात की जाए तो भाई सेडान कार में आपको कभी भी वाइपर देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको डिफॉगर देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इस तरीके से बैक साइड का यहाँ पे आपको लुक देखने को मिल जाता है, जहाँ पे स्लेविया के यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे 1.2 लीटर TSI इंजन का यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको LED टेल लाइट बैक साइड में देखने को मिल जाती है, और बैक साइड में आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है, और साथ ही में यहाँ पे आपको रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। अब चल के देखते हैं इसके इंटीरियर में आपको कैसा क्या मिलता है, तो आइए चल के देखते हैं। अभी आप सभी ने देखा इस कार का एक्सटीरियर, आप चल के देखते हैं इसका इंटीरियर आपको कैसा क्या मिलता है। जैसे हम लोग यहाँ पे भाई डोर ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, और साथ ही में अगर बात की जाए ड्राइवर साइड के डोर में आपको क्या क्या खास मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको पियानो फिनिश का वर्क मिल जाता है, और यहाँ पे क्रोम का डोर हैंडल आपको देखने को मिल जाता है इंटर में, और यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, ORBM भी कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सेंट्रल कंट्रोल लॉक का यहाँ पे आपको फंक्शन मिल जाता है। और साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको बड़ा सा स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वाटर रखने की स्पेस मिल जाती है, मतलब ड्राइवर साइड के डोर में भी आपको अच्छे खासे फंक्शन फीचर्स मिल जाते हैं, अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। साथ ही में अगर बात की जाए यहाँ पे और भी क्या क्या आपको एडवांस चीज़ें मिल जाती हैं, सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल आपको ड्राइवर और को ड्राइवर साइड के दोनों साइड की आपको सीट मिल जाती है, जो आपको केवल डीप डार्क और यहाँ पे अगर बात की जाए एलिगेंस एडिशन में ही केवल आपको देखने को मिलेगा ये फीचर्स। अब साथ ही में अगर इसके बात करें इसके इंटीरियर में, तो यहाँ पे इंटीरियर में जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे भाई, तो यहाँ पे अभी कार की के वजह से आवाज़ कर रही है, क्योंकि हम लोग डोर इसका ओपन किए हुए हैं। अब जैसे डोर यहाँ पे क्लोज हुआ तो यहाँ पे आवाज़ खत्म हो गई। साथ में अगर इसके इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर में भी आपको बहुत कुछ खास मिल जाता है, जहां से सबसे पहले अगर स्टार्ट की जाए तो यहाँ पे इसमें आपको वॉच असिस्ट मिल जाता है, और यहाँ पे इसमें आपको पेडल शिफ्टर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में बात की जाए इंफोटेंस क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटली देखने को मिलता है। साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे स्टेयरिंग आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको 10 इंच की यहाँ पे इन्फोटेंस सिस्टम देखने को मिल जाता है। साथ ही में बात की जाए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, वायरलेस फोन चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, दोनों सीटें आपको वेंटिलेटर मिल जाती है ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में।
गुजराती में बात की जाए तो यहाँ पे आपको कूल, यहाँ पे आपको कप होल्डर देखने को मिल जाता है, 12 वॉट फास्ट चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिलता है। साथ ही में बात की जाए एक आर्मरेस्ट के नीचे भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है। साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे भी स्पेस आपको मिल जाती है देखने को, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक साइड मिरर में थोड़ा सा मिल जाता है, और यहाँ पे अगर ग्लव बॉक्स की बात की जाए उसमें भी यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है ये इस तरीके से। और यहाँ पे स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा गहरा और अच्छी सी यहाँ पे आपको स्पेस इसमें देखने को मिल जाता है। और बात की जाए तो यहाँ पे आपको सारा का सारा यहाँ पे पियानो फिनिश वर्क आपको देखने को मिल जाता है इंटीरियर में, जो काफी ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे डीप ब्लैक और एलिगेंस एडिशन को यहाँ पे बनाता है। मतलब आप लोग देख सकते हैं कार का इंटीरियर यहाँ पे आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही में अगर बात की जाए इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट का भी फीचर्स मिल जाता है। मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए स्पेशल एडिशन को काफी ज्यादा स्पेशल बनाया गया है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्लेविया में। साथ ही में आप बात करके हैं चल के सेकंड रो में, वहां पे कैसी क्या आपको स्पेस मिलती है, तो आइए चल के देखते हैं। साथ ही में अगर सेकंड रो की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वाटर वाटर रखने की स्पेस और बड़ा सा यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। उसमें भी यहाँ पे आपको क्रोम का डोर हैंडल देखने को मिल जाता है, एक छोटा सा ट्विटर स्पीकर आपको बैक साइड के डोर में देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर स्पेस की बात की जाए तो स्पेस आपको कैसे क्या मिल जाती है, तो भाई यहाँ पे अगर बात की जाए स्पेस भी आपको काफी ज्यादा अच्छी खासी मिल जाती है, और यहाँ पे आपको रियर एसी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे दो आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में बैक साइड में इस तरीके से यहाँ पे आपको दो लाइट्स देखने को मिल जाती है, उसमें साथ ही यहाँ पे आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाता है, और इस तरीके से यहाँ पे आपको होल्डर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में अगर बात करें चल के अब इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस आपको कैसे क्या मिलता है, तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग भाई इसका डोर ओपन करेंगे बैक साइड का, तो यहाँ पे भाई इसमें आपको 521 लीटर की यहाँ पे आपको बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको गहराई, मतलब अंदर जाने पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा पूरा एकदम ब्लैक हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको 511 की एक सेडान के अंदर इतनी बड़ी आपको बूट स्पेस मिल रही, तो भाई ये कार मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और भाई अगर बात की जाए स्पेशल एडिशन में, तो भाई यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे इसका लुक बैक साइड में, तो यहाँ पे डीप ब्लैक में कार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको अच्छी लगेगी, जो एलिगेंस एडिशन है जिसको हम लोग डीप ब्लैक भी कहते हैं। आप लोगों को कैसे लगे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू वेरी मच।